नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ की नॉवल द इनविजिबल मैन, जो एचजी वेल्स ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 10, मिस्टर मार्वल्स विजिट टू इपिंग। एक दिन एपिंग के लोग बड़ी खुशी से अपना फेस्टिवल बना रहे थे। कुछ टाइम के लिए उनको कुछ भी महसूस नहीं था कि कोई परेशानी हुई है स्ट्रेंजर की वजह से। वो खुशी से अपना फेस्टिवल बना रहे थे कि अचानक कोच और हॉर्सेस में मिस्टर मार्वल आते हैं और वो स्ट्रेंजर के कमरे में जाते हैं। वहाँ जाते ही वो देखते हैं कि डॉक्टर कस और मिस्टर बंटिंग वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वो अपोलॉजी मांगते हैं, फटाफट से माफ़ी मांगते हैं कि गलती से इस कमरे में घुस गए। वो वहाँ से कपड़े उठाते हैं और मिस्टर मार्वल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मिस्टर हक्स्टर, जो वहाँ के शॉप के मालिक थे, वो सोचते हैं कि एक चोर है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उनके हाथ में बहुत सारी बुक्स भी थी, मिस्टर मार्वल के हाथ में। लोगों को लगा कि वही एक इनविजिबल मैन है और वो भी उसके पीछे भागे। कोई भी मार्वल को पकड़ नहीं पाया। उन सब जैसे ही उसके पीछे भाग रहे थे, अचानक से किसी चीज़ ने उन्हें पकड़ लिया। वो देख नहीं पा रहे थे कि जिन्होंने उसे पकड़ा, एक्चुअली वो स्ट्रेंजर था जिन्होंने उसे पकड़ लिया था, जो मार्वल की मदद कर रहा था उसकी चीज़ों को भगाने में, बचाने में। चैप्टर 11, इन द कोच एंड द हॉर्सेस। डॉक्टर कस और मिस्टर बंटिंग इनविजिबल मैन के रूम में रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो उसकी डायरीज देख रहे थे। कुछ वो चीज़ें ग्रीक लैंग्वेज में लिखी थी, उनमें कोई भी पिक्चर्स नहीं थी, कोई डायग्राम नहीं थे, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ये रशियन में भी लिखी थी तो कुछ चीज़ें ग्रीक में भी लिखी थी। मिस्टर बंटिंग समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से एक गेट खुलता है और मार्वल अंदर आता है। वो इनविजिबल मैन की चीज़ों को छेड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि वो गलती से अंदर घुस आया है। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जैसे मार्वल अंदर घुसता है, उसके साथ साथ इनविजिबल मैन भी कमरे में घुस जाता है। इनविजिबल मैन डॉक्टर कस और मिस्टर बंटिंग की इन्वेस्टिगेशन देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनके कपड़े उतारता है और उन्हें बहुत मारता है। वो उन्हें धमकाता है कि वो उन्हें जान से ही मार देगा, अगर तो उन्हें बचना है तो वो इसकी रिसर्च छोड़ दे। वो भागते हैं उसका कहना मानकर, ताकि वो अपनी जान बचा सके। चैप्टर 12, द इनविजिबल मैन लूजेज हिज टेम्पर। मिस्टर हक्स्टर, जो वहाँ बैठे थे पार्लर में, उनको कुछ शोर की आवाज़ आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते ये शोर किस चीज़ का है। वो सुनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि लोग कौन बहस कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है। इतने में वो मिस्टर मार्वल को भागते हुए देखते हैं कि कोई यहाँ से भाग रहा है। वो ये समझ नहीं पाते कोई क्यों भाग रहा है, उन्हें कुछ शक तो होता है। इतने में मिस्टर कस नीचे आते हैं पार्लर में और वो बताते हैं कि इनविजिबल मैन आ चुका है और उसने मिस्टर कस और मिस्टर बंटिंग के कपड़े चुरा लिए हैं। मिस्टर बंटिंग उधर विंडो के पास में खड़े होकर खुद को न्यूज़पेपर से ढक रहे होते कि उनके पास कपड़े नहीं होते। सब लोग डर जाते हैं और वो मार्वल के पीछे भागते हैं, ताकि वो उनको ये लगता है कि मार्वल ही इनविजिबल मैन है। वो उसे पकड़ने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। मार्वल बहुत दूर भाग जाता है। इतने में डॉक्टर कस मिस्टर बंटिंग को कहते हैं कि अब तुम आ सकते हो, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से। इनविजिबल मैन और मार्वल दोनों यहाँ से जा चुके होते हैं। उन्होंने बहुत तबाही मचाई होती है यहाँ पर पार्लर में।